हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मानो। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जेडेक्स सिरप के बारे में। मैं आपको इसकी डिटेल में जानकारी बताऊंगा, इसके कंपोजिशन, प्राइस, यूजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और उस बेल आइकन पर क्लिक कर दो, मेरे नए वीडियोज़ की आपको जानकारी मिल जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। इसमें मेन कंपोजिशन होता है डेक्सट्रोमीटोरफन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम एंड क्लोरफिनिरामाइन मैलिएट 2 मिलीग्राम। एक एंटी हिस्टामाइन होता है और इसकी मार्केटेड प्राइस है 119 रुपीज़, और ये 100 ml के क्वांटिटी में आता है और इसको मैन्युफैक्चर कर रही है ओकार्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी। चलो बात करते हैं इसके यूजेस, फायदे के बारे में। दोस्तों, ये मेनली यूज होता है सूखी खांसी, जो ड्राई कफ होता है उसमें मेनली यूज होता है, और अदर सिम्टम्स को ये कम करता है, लाइक थ्रोट इरिटेशन, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनी नोज। जो रनी नोज होता है कोल्ड और एलर्जी में, उसको भी ये कम करता है। ये सिरप ड्राई कफ, सूखी खांसी में बहुत ही असरदार होता है। बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसका डोज होता है 2 टी स्पूनफुल 10 ml 3-4 times a day। आपको ये 10 ml 3 से 4 टाइम आप ले सकते हो। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके साइड इफेक्ट तो ज़्यादा कुछ नहीं, पर आपको अपसेट स्टमक, स्किन रैशेस, यूमेटिंग हो सकती है। चलो बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये आप किस कंडीशन में आपको इसे मत लीजिए। आप प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन रहती है, इस कंडीशन में आप इसे अवॉइड करें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जिनको लीवर की समस्या हो, इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, और ये कप सिर्फ डॉक्टर के सलाह के बिना मत लीजिए। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।